हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल? बढ़िया, मज़े में। तो आज के इस वीडियो में बच्चों आपके लिए लेकर आया हूँ एक कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेवंथ के लिए, मेंस के लिए और नीट के बच्चों के लिए तो है ही है। इसलिए तो बच्चों हम बार बार यही कहता हूँ कि हर एक वीडियो में, हर एक कंटेंट में मैं ये कहता हूँ कि यार जो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो बहुत ही ज़रूरी है, आपको एक बहुत अच्छी तरह से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए सभी कंटेंट यहाँ से आपको मिल जाएंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे सर। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट। तो ये तीन बातें हम इस वीडियो में करेंगे। अब तक हमने करा कि यूनिट से लेकर हमने बात की बच्चों डायमेंशन से लेकर हमने बात की अप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन की नहीं की? बिल्कुल की। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, क्या कंसेप्ट है हमारा? सिग्निफिकेंट फिगर्स। अरे हाँ या ना? यस सर। तो क्या है बच्चों? सिग्निफिकेंट फिगर्स। वेरी गुड, सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। क्या बात, बहुत ही अच्छे। अब बोलो सर, यार ये फिगर्स क्या है सर, है ना? ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? हमने तो अब तक कभी पढ़ा नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेकिन अब तो पढ़ोगे ना बच्चों। देखो बच्चों, हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट में ना बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जो कि हमने डायमेंशंस के बारे में बात की, अब हम कुछ एरर्स की ओर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम उसकी ओर दौड़ रहे हैं अब, है ना? हम एरर्स के बारे में भी बात करनी होगी। तो उन रिलेटेड ये सिग्निफिकेंट फिगर जो है कि कोई भी अगर वैल्यू आप फिजिक्स में एक्सपेरिमेंटली अगर कोई भी वैल्यू मेजर करते हो, क्या ये पॉसिबल है कि उस वैल्यू में कुछ एरर हो? बिल्कुल हो सर, है ना? कुछ ना कुछ तो एरर होगा, ये पॉसिबल है। तो अगर आप कोई भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप मेजर करते हो और उसके बाद उसकी जो वैल्यू आप प्रेजेंट करते हो बच्चों, उस वैल्यूज में क्या होता है कि कुछ जो डिजिट्स होते हैं वो डिजिट्स सर्टेन होते हैं, रिलायबल होते हैं, और कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं कि जो अनसर्टेन होते हैं। सर अब ये सर्टेन और अनसर्टेन क्या है? तो बिफोर प्रोसीडिंग टू दैट चिल्ड्रन, लेट्स गेट स्टार्टेड नोइंग अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स इज नथिंग बट, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर डिफाइंड एज, कम ऑन क्या है? यस सर, बताओ सर हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स। बच्चों बहुत ही सिंपल है, क्या है? रिलायबल डिजिट, रिलायबल डिजिट प्लस अनसर्टेन डिजिट्स। क्या है बच्चों? रिलायबल डिजिट्स प्लस अनसर्टेन डिजिट्स कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट है बच्चों, कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या है समझ में आया आपको? मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू आप फिजिकल, किसी भी फिजिकल वैल्यू को जब आप मेजर करते हो, किसको? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप बच्चों मेजर करते हो, तो उस वैल्यू में आपको क्या मिल जाता है? एक रिलायबल नंबर होता है और एक होता है अनसर्टेन डिजिट। रिलायबल डिजिट और अनसर्टेन डिजिट, तो इन दोनों का मिलाप होकर हमें क्या मिल रहा है? सिग्निफिकेंट फिगर मिल रहा है। अगर मैं एग्जांपल ले लूं बच्चों की, कोई आपने एक एक्सपेरिमेंट करा और एक्सपेरिमेंट में आपने किसी ऑब्जेक्ट की अगर लेंथ मेजर की और वो लेंथ आई बच्चों मानो कि 1.62 मीटर आपने लेंथ मेजर की, करी कि नहीं करी? बिल्कुल करी सर। लेकिन अब इस केस में क्या होगा कि बच्चों आपका जो 1 है, ये 1 और ये जो 6 है ना बच्चों, इन्हें कहा गया रिलायबल नंबर। क्या कहा जाता है बच्चों? रिलायबल डिजिट्स, दे आर द रिलायबल डिजिट्स। और ये जो आपका 2 है ना बच्चों, ये 2 आपका क्या है? अनसर्टेन डिजिट है। कौन सा डिजिट है? अनसर्टेन डिजिट। क्या ये समझ में आ रहा है? यस और नो? यस, करेक्ट। तो बच्चों, तो रिलायबल आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सिग्निफिकेंट फिगर इस रिलायबल डिजिट प्लस अनसर्टेन डिजिट को मिलाकर हुआ है। तो यहां पर कितने डिजिट है? 2 रिलायबल डिजिट है, 1 और 6 आपकी रिलायबल है, 1, 6 एंड 2। तो ये दोनों तो आपका क्या है बच्चों? रिलायबल है। और 2 आपका क्या है बच्चों? अनसर्टेन है। तो तीनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर आपका क्या बन रहा है? सिग्निफिकेंट। तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बच्चों? कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है बच्चों? तो 3, करेक्ट। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने कितने सिग्निफिकेंट मेजर किए? यहां पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है बच्चों। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोलो? हाँ सर। चलो एक एग्जाम्पल पहला लिया था, मानो दूसरा एक एग्जाम्पल ले लिया। किसी एक्सपेरिमेंट में हमने एक वैल्यू मेजर की और वैल्यू मेजर करने के बाद चलो मानो कि लेंथ ही हमने मेजर की, कितनी? 362.4 मीटर। अब बच्चों यहां पर कौन सा रिलायबल है और कौन सा अनसर्टेन है? हाँ,
तो आपके ये 3, 6 और 2 क्या बने बच्चों? रिलायबल डिजिट्स है। कौन से डिजिट्स है? रिलायबल डिजिट्स। और ये जो 4 है ना अन्ना, ये कौन सा है? अनसर्टेन है, अनसर्टेन है। हाँ, मतलब कि अगर बच्चों मानो कि आपने क्या करा कि एक्सपेरिमेंट फिर से करा, क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या ये श्योरिटी है कि आपको फिर से ये दोनों रीडिंग्स मिल जाएंगी? बिल्कुल है। लेकिन क्या हम श्योर है इस थर्ड डिजिट के बारे में? ना, ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा ये पता नहीं, इसलिए तो इसे कहा गया बच्चों अनसर्टेन डिजिट। माना कि मैंने एक बार इस मार्कर की मैंने क्या करी बच्चों की लेंथ मेजर करी, है ना। लेंथ मेजर करने के बाद मानकर चलो मुझे इसका कितना मिला डिस्टेंस, सपोज 8 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर, सपोज 10.4 सेंटीमीटर। लेकिन अगली बात क्या हो सकता है कि आई विल गेट माइट द 10.2, तो मतलब 10 इज अ सर्टन, 10 इज अ रिलायबल, 10 इज अ श्योर, 4 इज नॉट अ श्योर। तो उस 4 को कहा जाता है अनसर्टेन एंड बाकी जो बचा उसे कहा जाता है बच्चों रिलायबल। सो यही तो कंसेप्ट है, यही तो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो इसलिए मैंने कहा कि सिग्निफिकेंट क्या होता है? रिलायबल डिजिट प्लस अनसर्टेन डिजिट कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। आप इसका बहुत आसानी से भी एक फॉर्मूला बना सकते हो। क्या? सिग्निफिकेंट SF इज इक्वल टू RD प्लस UD। एक जनरल में बना रहा हूं क्योंकि इसके लिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आई एम टेलिंग यू। क्या क्लियर है? हाँ या ना बोलो? यस। अब वही अगर बच्चों हम क्या करेंगे, कोई अगर एग्जांपल करे, हमने किसी ने अगर एग्जांपल करा, मानकर चलो कि कोई भी लेंथ है, कोई भी एक लेंथ है जिसकी को मेजर किया गया, मानो कि क्या लेंथ है? 2.038 सेंटीमीटर एक लेंथ। क्या है बच्चों? एक लेंथ। अब यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? जैसे यहां पर 3 बने, यहां पर कितने बच्चों? 4 सिग्निफिकेंट है, 1, 2, 3, 4। क्यों हम कह रहे हैं रिलायबल डिजिट प्लस अनसर्टेन डिजिट कॉल्ड है द सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। तो यहां पर 3 रिलायबल है, एक क्या है बच्चों? अनसर्टेन है। 3 + 4, 3 + 1 कितना हुआ? 4 हुआ। दैट इज वॉट योर सिग्निफिकेंट डिजिट। अब इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? क्या हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है? यस सर, यहां पर आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं बच्चों कि मैंने अगर इसका यूनिट चेंज करा, क्या करा? यूनिट चेंज करा, तो क्या होगा? अगर मैंने इसको मीटर में करा तो क्या होगा? 0.02 0.02 038, क्या होगा बच्चों? मीटर होगा। होगा कि नहीं होगा बाबू? यस और नो? बिल्कुल होगा सर। अगर आपने इसको फिर से अगर आपने किस में कन्वर्ट किया, mm में कन्वर्ट किया, तो कितना वैल्यू बढ़ेगा बच्चों? तो फिर से बढ़ेगा, दैट इज नियर अबाउट 20380 mm बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बन सकता है। मतलब कि अगर आपने बच्चों एक बात यहां पर याद में रखना, क्या? कि भले ही आपका यहां पर यूनिट चेंज हो, क्या आपका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होगा? तो ना। भले ही यहां पर आपने यूनिट चेंज करा, लेकिन क्या उसके सिग्निफिकेंट वैल्यू में कोई चेंज आने वाला है? कोई बदलाव होगा? नहीं होगा ना बाबा, बदलाव तो मौसम में होता है सर, यहां कैसे होगा? तो बच्चों अगर आपने यूनिट भी चेंज करा तो भी सिग्निफिकेंट फिगर आपका वैसा रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ। तो इसके लिए बच्चों ये जो भी एम्बिग्यूटीज थी इसके अंदर जो भी डिफिकल्टीज थी उसको रिमूव करने के लिए हमने क्या करा बच्चों की सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स बनाए। अब देखते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल क्या है, और सेम टाइम में हम देखेंगे बच्चों कि कुछ एग्जाम्पल बेस्ड अपॉन द सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट ना। तो चलो देखते हैं कि क्या कंसेप्ट है। रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। अरे हाँ, क्या बात है सर। बच्चों अब रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से है बच्चों? चलो पहला रूल्स लिख देता हूं मैं। क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्या ये समझा? क्या ये चमका कि नहीं चमका? यस सर, है नहीं बच्चों? हाँ। मतलब क्या हुआ? अरे बाबा, अगर मैं इसके एग्जांपल दे दूं, क्या एग्जांपल दोगे सर आप? एग्जांपल अगर दे दूं 1, 2, 3, 4, कितने सिग्निफिकेंट है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्या ये है? बिल्कुल है। अगर मैंने यहां पर लिखा 35.30, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। नॉन डिजिट जीरित लिखते हैं ना, 3, 2 करेक्ट। कुछ और भी नंबर लिख दो आप, 4, 2.37, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? हाँ, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। मतलब
कोई भी अगर नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब जो कि जीरो ना हो, क्या यहां पर आपका कोई जीरो है? नहीं है, तो सभी के सभी क्या है बच्चों? सिग्निफिकेंट फिगर से। समझ में आ रहा है? यस सर। अब सेकंड रूल क्या कहता है देख लेते हैं। व्हाट इज द सेकंड रूल? चलो देख लेते हैं। करेक्ट, इफ इफ जीरोस, इफ द जीरोस लाइज लाइज इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, टू नॉन जीरो डिजिट्स, टू नॉन जीरो डिजिट्स, देन दे आर सिग्निफिकेंट। दे आर मतलब वो जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। समझ में आ रहा है ना? वो जीरो क्या होगा बच्चों? सिग्निफिकेंट होगी। कैसे? एग्जाम्पल क्या दूंगा मैं यहां पर? अगर मैं एग्जाम्पल लू, क्या लू सर? 1027 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 सिग्निफिकेंट। क्या ये समझ में आया? हाँ सर। अगर मैंने यहां पर कहा 2.03 क्या सिग्निफिकेंट फिगर है? कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट, क्योंकि दो जीरोस के बीच में, दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आपका जीरो आ रहा है। करेक्ट, वन नॉन जीरो है, टू नॉन जीरो है, इन दोनों के बीच में क्या आया? जीरो आया। क्या ये सिग्निफिकेंट बना? बना सर। ये रूल्स है बच्चों, ये रूल्स आपको समझना होगा, है ना। और एक एग्जाम्पल अगर यहां पर हम ले लेंगे, कौन सा? 2.507 क्या ये सिग्निफिकेंट है? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बच्चों? 1, 2, 3, 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं इस डेसिमल पॉइंट के बारे में भी आऊंगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है। क्या कहता है? इफ द जीरोस लाइज इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स देन दे आर अ सिग्निफिकेंट, देन व्हाट? दे आर अ सिग्निफिकेंट। क्या ये क्लियर है? यस सर। क्या ये क्लियर है? वेरी गुड। अब थर्ड रूल क्या है बच्चों? समझो यार आप, समझो यार आप, क्या है रूल थर्ड? अरे ओ, रूल थर्ड क्या है? रूल थर्ड इफ द नंबर इज लेस देन जीरो, या कहेंगे कि हम इफ इफ द जीरोस जीरो आर लेफ्ट, इफ द जीरोस आर लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स, इफ द जीरोस आर लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स, देन दे आर, क्या कहूंगा बच्चों में उसको? देन दे आर नॉन सिग्निफिकेंट। हाँ या ना? यस। देन दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या वो सिग्निफिकेंट होंगे? नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लूंगा, एग्जाम्पल क्या दूं मैं बच्चों? अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल आपको दूंगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या? जैसे कि 0.00237 है ना, इफ द जीरोज आर लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट देन दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब क्या ये जीरोज इस नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में है? लेफ्ट में है, तो क्या ये जीरोज सिग्निफिकेंट है बच्चों? नहीं है। तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है फिर? 1, 2, 3 हाँ, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप इसको भी ऐसे कह सकते हो, क्या ये नंबर लेस देन 1 है? है सर। इफ द नंबर इज लेस देन 1 देन द जीरो लाइज आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एंड बिफोर द फर्स्ट नॉन डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये भी रूल आप इसको वैसे भी लिख सकते हो। क्या लिखेंगे हम? बिल्कुल बच्चों, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0. मानो कैसे 0, 2, 3, 0, 7 क्या नंबर होगा बच्चों? कितने सिग्निफिकेंट फिगर? ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, नहीं है। क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट है? कहाँ से पता चला हमें? यहाँ से पता चला। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर। दिस इज द थर्ड रूल। अब चौथा रूल क्या है वो भी देख लेंगे। चौथा रूल तो बहुत सिंपल है। क्या कहता है देखो बच्चों, बहुत ही आसान है। द जीरोज क्या कहूं मैं? द ट्रेलिंग जीरोज After the non-zero digits or the trailing zeros, क्या कहेंगे हम? The trailing zeros in a number with decimal point are significant। मतलब है कि बच्चों कि zeros अगर किसी भी number को trail कर रहे हैं और डेसिमल पॉइंट उसके बीच में है तो क्या बनेंगे बच्चों? सिग्निफिकेंट बनेंगे। मतलब अगर मैं एग्जांपल दे दूं यहां पर 3. क्या कहूं मैं? लेट अस सपोज एग्जांपल टेक इट 3.200
करेक्ट, थ्री पॉइंट। तो ये जो जीरोज है ना बच्चों, इस नंबर को ट्रेल कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे। तो इस समय क्या ये सिग्निफिकेंट हो गए? तो हाँ, तो इस केस में कितने सिग्निफिकेंट है? फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स है। कितने हैं? फोर है। दूसरा नंबर ले लो आप 4.800, कितने सिग्निफिकेंट है? फोर सिग्निफिकेंट फिगर है। दूसरा ले लो आप एग्जांपल, मतलब कि ये जो ट्रेलिंग जीरोज है, अगर उनके बीच में क्या है बच्चों? डेसिमल पॉइंट है। तो जैसे कि 343.00, कितने डेसिमल, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1, 2, 3, 4, 5, यस, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या है, क्लियर है? हाँ या ना बोलो? यस सर। तो बच्चों ये अपना चौथा रूल है। ये कौन सा रूल है? फोर्थ रूल। और एक रूल है बच्चों, वो रूल क्या कहता है चलो देख लेते हैं। वो भी रूल बहुत ही सिंपल है राजा। क्या रूल कहता है जरा देख लेंगे। हाँ, इसी समय इसी तरह का एक रूल है। क्या है बच्चों? कि फिफ्थ रूल कहेंगे, द ट्रेलिंग जीरोज, द ट्रेलिंग जीरोज, द ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर आफ्टर द नंबर, आफ्टर द नंबर, द ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर द नंबर, द ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर द नंबर, आफ्टर द नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। बच्चों एग्जाम्पल क्या दूं मैं? 2, 3, 4, 0, कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या ये समझ में आ रहा है? अरे भाई देखो, ये जीरोज क्या यहां पर डेसिमल है? नहीं है। तो क्या वो सिग्निफिकेंट बनेंगे? नहीं बनेंगे बच्चों, नहीं बनेंगे। तो इसलिए तो हमारा इस केस में कितने सिग्निफिकेंट है? सिर्फ 3 है। दूसरा एग्जांपल 1, 2, 0, क्या कितने सिग्निफिकेंट है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्या ये क्लियर है? दूसरा एग्जांपल 4, 8, 0, 0, 0, कितने सिग्निफिकेंट है? 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि दिस ट्रेलिंग जीरोज, ट्रेलिंग जीरोज विदाउट डेसिमल अगर होंगे तो क्या बच्चों उनकी वैल्यू बनेगी? नहीं बनेगी। सिग्निफिकेंट होंगे? नहीं होंगे। तो ये कंसेप्ट है बच्चों इन केस ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये 5 जो रूल है जो हमने सिग्निफिकेंट फिगर को समझने के लिए बनाए, ये रूल अगर आप याद में रखोगे बच्चों तो आप किसी भी तरह का सवाल इसके ऊपर बना सकते हो। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन तो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन उसके रूल्स भी तो पता होने चाहिए आपको। होंगे कि नहीं पता होंगे? बिल्कुल होंगे। तो फाइनली आपको ये याद में रखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है बच्चों, कि बस यही तक, इसके रूल्स, इसकी डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स जब हो जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये उतना डिफिकल्ट है। बस आप इसको ना थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना पड़ेगा और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी बाबा। चलो एक एग्जांपल दे देते बच्चों इसके ऊपर कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना। एग्जांपल फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स, फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमें कुछ नंबर दिए गए बच्चों। क्या नंबर दिए गए? हाँ, क्या है नंबर? 2400, बी 2.400, सी 3856, डी 3800, ई कमान कितने होंगे? नंबर बताओ कोई तो एक, 52.70। ठीक है बच्चों, तो ये नंबर है। अब क्या करना, क्या करना? चलो फर्स्ट का कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? फर्स्ट का सिग्निफिकेंट फिगर्स कम ऑन। हाँ, क्या ये 2 हो गए आंसर? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यस सर, क्योंकि ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, राइट? तो कम ऑन, डेसिमल ऑल आर सिग्निफिकेंट। तो बी का आंसर कितना होगा बच्चों? 4 सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं होगा? यस yes। अरे ये तो सर, ये तो बहुत आसान दे दिया आपने, ये तो 4 है सर, नॉन जीरो है सर। अरे वाह वाह, ये तो सर बहुत ही जबरदस्त दिया सर आपने, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आया ना, यस yes। इस केस में क्या है बच्चों? कम ऑन, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 52.70। हाँ, 3 या 4? 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? यस yes। क्योंकि ये जो जीरो है ना, इस नंबर को फॉलो कर रहा है, इसलिए। क्या ये क्लियर है? यस yes, सर, बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों हम चलते हैं दूसरा कंसेप्ट की ओर, दैट इज कॉल्ड एज द, कम ऑन क्या कहेंगे सर आप? राउंडिंग ऑफ। क्या है राउंडिंग? सर आप आजकल कुछ अलग ही कंसेप्ट ला रहे हो। नहीं रे बच्चे, राउंडिंग ऑफ, ठीक है, राउंडिंग ऑफ। अबे राउंडिंग ऑफ क्या है? राउंडिंग ऑफ क्या है बच्चों? मैंने पहले ही कह रहा था आपको कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब आप मेजर करते हो, अरे हो करते हो ना,
तब क्या होता है कि कभी कभी जो भी एक्सपेरिमेंट के वैल्यूज हमारे सामने होते हैं उन वैल्यूज के बारे में थोड़ा सा हमें एक डाउट होता है कि यार क्या ये सही है या नहीं है। हाँ, है ना, अगर कोई भी वैल्यू विच कंटेंस विच फील्स दैट विच वी फील दैट यस यार देर इज समथिंग डाउट देर इज समथिंग नीड्स टू बी थिंक ऑन दैट, अगर कुछ वैसा है तो उस नंबर को बच्चों राउंड ऑफ करा जाता है, उस कंसेप्ट को कहा राउंडिंग ऑफ। अगर किसी भी इफ एनी वैल्यू कंटेंस अ डाउट इफ एनी वैल्यू कंटेंस अ डाउट दैट इज व्हाट कॉल्ड, उसे हम कहा जाता है बच्चों राउंडिंग ऑफ। करेक्ट, मतलब अगर किसी भी वैल्यू में अगर डाउट है आपको, है ना, किसी भी वैल्यू में अगर डाउट है तो आप उस नंबर को क्या करा जाता है राउंडिंग ऑफ करा जाता है। लेकिन बच्चों इस राउंडिंग ऑफ करने के लिए भी हमें क्या करने पड़ेंगे, कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड द रूल्स ऑफ रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो क्या रूल्स है देख लेते हैं, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर, राउंडिंग ऑफ नंबर्स, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर्स। ठीक, तो बच्चों क्या रूल्स है वो पहले पढ़ते हैं हम। फर्स्ट रूल क्या कहता है, रूल समझना होगा हमें, फर्स्ट रूल क्या कहता है, इफ द डिजिट इज टू बी, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन फाइव, ठीक है ना, then the preceding digit is left unchanged। क्या है, क्लियर है बच्चों, मतलब कि अगर आपने, मैंने एग्जाम्पल दिया x इज इक्वल टू 3 क्या है बच्चों 72 है, 3.72 मीटर कुछ तो वैल्यू है ना। अब ये रूल क्या कहता है कि आपको जो डिजिट ड्रॉप करना है वो डिजिट अगर 5 से कम है, अगर लेस देन 5 है तो उसका जो प्रीसीडिंग, आपने तो बहुत बार पढ़ा होगा ये सक्सेसर और प्रीसीडर, है ना, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको बच्चों कुछ करना नहीं, उसको छोड़ दो उसके हाल पर। अरे छोड़ दो रे बाबा, वो अपने आप देखता रहेगा। तो बच्चों ये जो डिजिट है इसको हमें ड्रॉप करना है, क्या ये लेस देन 5 है, तो इसको हम कैसे लिखे बच्चों, इज राउंडेड ऑफ क्या लिखो मैं इसको 3.7, हाँ या ना, यस, क्यों, दिस डिजिट प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। और एक एग्जांपल देते बाबा, मानो कि क्या 4.83 है ना, लेस देन 5 है, यस सर, इज राउंडेड ऑफ टू व्हाट 4.8, क्या ये क्लियर है राउंडिंग ऑफ, यस। सेकंड क्या कहता है बच्चों, ये डिजिट बहुत, ये रूल्स बहुत जरूरी है यार, क्या, इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5, अब मैं इसको छोड़ देता हूं, इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5 मैं लिख देता हूं, चलो ठीक, इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, मतलब जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको आपको क्या करना है, 1 से बढ़ाना है। अगर एग्जाम्पल दूं मैं, x इज इक्वल टू क्या 4.88 है, क्या बच्चों इसको राउंड ऑफ कैसे करें बताओ, बढ़ाओ 1, मतलब ये जो डिजिट है 1 से बढ़ाना है, इसको ड्रॉप करना है, इसको बढ़ाना है 4.9, क्या ये क्लियर है, यस सर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या 6.89, क्या करें बच्चों, क्या मैं 6.9 मीटर करूं, यस, हाँ या ना, अरे ओ राजा, बोलो भाई, बोलो, क्या क्लियर है, वेरी गुड बच्चों। जो तीसरा रूल है, तीसरा रूल तो बहुत आसान है, कुल मिलाकर 5 रूल है, तो थर्ड रूल क्या कहता है देखो, इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज फाइव फॉलोड बाय other than non-zero digit, then the preceding digit
इज रेज्ड बाय वन, इज रेज्ड बाय वन, मतलब कि बच्चों अगर मानकर चलो कि आपको एक ऐसा नंबर आ गया कि उस नंबर में, उस नंबर को जो पांच को फॉलो करने वाला नंबर है, वो अगर पांच को फॉलो करने वाला नंबर जीरो नहीं है, जीरो से कुछ अगर अलग है, तब क्या करना है कि उसके पीछे वाला जो नंबर है उसको आपको क्या करना है, एक से बढ़ाना। एग्जाम्पल से समझना होगा ना यार, सर एग्जाम्पल बताओ सर एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल दे देते दे हम यहां पर, क्या है एग्जाम्पल, एक्स इज इक्वल टू, मानो कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 2.452, तो इसको कैसे करें बच्चों राउंडिंग ऑफ, क्या ये अदर देन नॉन जीरो है, बिल्कुल है। यहां पर देखो क्योंकि ये नंबर इस पांच को फॉलो कर रहा है राजा, ये नंबर जो है ना पांच को फॉलो कर रहा है क्योंकि पांच इज द मीडियम रेंज वी आर कंसिडरिंग, करेक्ट। तो इस नंबर को एक से बढ़ाना है, मतलब क्या होगा 2.5 मीटर होगा, होगा कि नहीं होगा, मैं अगर एग्जाम्पल दे रहा हूं तो ये राउंडिंग ऑफ 2.5 में हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, क्या आप कर सकते हैं इस तरह, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो दो रूल और कौन कौन सा है वो देख लेते हैं, है ना, थर्ड हो गया, फोर्थ और फिफ्थ में यहां पर लिख देता हूं, ठीक है बच्चों। चलो बहुत ही आसान है ये बाबा, क्या है फोर्थ रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय 0, अब ये कहा था नॉन जीरो, अब ये कहा आया 0 आया सर, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। अरे वाह वाह सर, इफ इट इज इवन, बच्चों इसके ऊपर फोकस करो, मतलब प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन हुआ, अरे ओ तब क्या करना है उसको, छोड़ दो ना बाबा, हाँ छोड़ दो ना सर, एक्स इज इक्वल टू कैसे 2.2 लेट अस सपोज 250, करेक्ट। तो ये 0.5 को फॉलो कर रहा है, पांच के पहले का नंबर कौन सा है, इवन है, तो क्या करें बच्चों राउंडिंग ऑफ 2.2, क्लियर है, वेरी गुड। दूसरा नंबर, अरे एग्जाम्पल में लिख रहे राजा हम, क्या है नंबर, सपोज ये 4.850, क्या करें सर 4.8, ये राउंडिंग ऑफ, क्लियर है, वेरी गुड। अभी फिफ्थ रूल क्या कहता है देखो बच्चों, इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप इज 5 फॉलोड बाय 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज raised by 1 if it is odd, क्या, if the digit to be dropped is 5 followed by 0, then the preceding digit is raised by one if it is odd, क्या क्लियर है, अरे बोलो हाँ या ना, यस। एग्जाम्पल अगर मैं बच्चों दे दू, x इज इक्वल टू 2.350, क्या ये odd है, बिल्कुल है सर, बढ़ाओ उसको, क्या होगा 2.4, होगा कि नहीं होगा बाबा, बोलो जल्दी यार, हाँ सवाल बनाना होगा बच्चों, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, राउंड ऑफ द फॉलोइंग फिगर। एग्जाम्पल बोलो, हाँ x इज इक्वल लेट सपोज 3.5, चलो दूसरा लेते हैं, क्या, क्योंकि 5 ही तो ऑड ही है ना, 5 ही तो ऑड है, तो दूसरा कुछ लेते हैं 750, क्या करूं मैं इसको 3.8 करूं, यस सर। दूसरा x इज इक्वल टू 5, हाँ क्या ले लें हम 950, क्या बनेंगे 5.6 होगा, रेज्ड बाय वन अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा 5.6 होगा, तो ये क्या है, क्लियर है बच्चों, रेज बाय वन मतलब 5.6 कैसे होता है सर, ये तो 6 बना, क्या क्लियर है, हाँ या ना बोलो, यस सर। तो ये कुछ सवाल आपको बनाने होंगे बच्चों, तो इसे कहा जाता है राउंडिंग ऑफ, क्या ये क्लियर है, हाँ या ना बोलो, वेरी गुड। तो बच्चों हमने राउंडिंग ऑफ भी देखा, हमने क्या करा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स भी देखे, अब इसके ऊपर के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि यार सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेशन में कैसे करा जाता है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेशन में कैसे करा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम क्या करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और क्या करेंगे सर कुछ नहीं करेंगे, अब पढ़ाई करेंगे सर, एग्जाम नजदीक आ रहा है,
कह रहे हो ना बच्चों, हाँ क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशंस, इन कैलकुलेशंस। चलो ठीक है बच्चों, कर लेते हैं इसको, इस सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेशंस में कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो दो तरह से कैलकुलेशंस किया जाता है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन का सेम कैलकुलेशन है बच्चों, याद में रखना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का क्या है, सेम कैलकुलेशन है। क्या ये क्लियर है, बोलो हाँ या ना, यस। और दूसरा है बच्चों मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन और किसमें, डिवीजन में, दोनों का रूल सेम है। बस आपको याद में रखिएगा कि मैं क्या कर लेता हूं बच्चों, मैं एग्जाम्पल से समझा कर देता हूं आपको कि कैलकुलेशन कैसे करा जाता है। ठीक है, क्या एग्जाम्पल्स है, चलो मानकर ले लो कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 1.325 है और दूसरा एक नंबर दिया गया है 1.325 प्लस 2.42, क्या है 2.42, इनका हमें एडिशन करना है। बच्चों हमेशा ध्यान में रखना एक चीज, जब कभी भी अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स का कैलकुलेशंस कर रहे हो और उसमें एडिशन या हो या सब्सट्रैक्शन हो, तो हमेशा याद में रखना है कि जो लीस्ट डेसिमल है, लीस्ट डेसिमल किसके बच्चों, इसके कितने डेसिमल है, 3 डेसिमल है, इसके कितने हैं, 2 है, इसका मतलब लिस्ट डेसिमल को कंसिडर किया, लिस्ट डेसिमल नंबर ये है बच्चों आपका, तो आपका आंसर मस्ट बी इन दिस फॉर्म ओनली। तो करते हैं पहले, क्या आंसर आएगा, ये 5, ये 4, ये 7 और ये कितना, 3। तो आपका जो आंसर होगा ना बच्चों, वो आपका आंसर 3.74 होगा। क्या ये क्लियर है, है ना, क्योंकि लिस्ट डेसिमल, जितने डेसिमल यहां, कम से कम जितने डेसिमल हो गए उतने ही डेसिमल आपको आंसर में लिखना है, उतने ही डेसिमल आपको आंसर में लिखना है। क्या ये क्लियर है रूल, अरे बोलो क्या ये क्लियर है रूल, हाँ या ना, वेरी गुड। तो बहुत सिंपल सा पंडा है, और एक एग्जांपल दे देता हूं बच्चों में सब्सट्रैक्शन का, सब्सट्रैक्शन का एग्जांपल दे लेंगे तब आपका बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्या ले लूं मैं, 2.24 है और यहां पर 1.2 है बच्चों, लेट अस सपोज क्या करूं मैं, एक 1 ले लेता हूं, ठीक है, और यहां पर माइनस करना है, तो क्या है यहां पर, ये 4 है, 2 माइनस 1 हुआ, 2 माइनस 1 हुआ, ये है बच्चों क्या आपका लिस्ट डेसिमल, अरे हैया नहीं है सर, तो आपका आंसर किस में आना चाहिए, एक ही डेसिमल में, तो आपका आंसर बनना चाहिए बच्चों क्या, 1.1, हाँ या ना बोलो, यस, लिस्ट डेसिमल ही आपको पकड़ना है इस केस में, है ना, योर रिजल्ट मस्ट बी इन लिस्ट डेसिमल फॉर्मेट, क्लियर, वेरी गुड। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन, क्या ये क्लियर है बच्चों, यस सर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में अगर हम कोई भी एक नंबर ले ले, क्या नंबर ले ले बच्चों, चलो एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, है ना, क्या एग्जांपल ले लेते हैं हम, कुछ भी ले लो मल्टीप्लिकेशन का, क्या 3.33, ठीक है ना, 3.33 इंटू 1.2 इंटू क्या बच्चों, 1.2, है ना, अब इसका रिजल्ट बनाना पड़ेगा, तो इस केस में क्या करना है पता है, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स पकड़ना है, हाँ, इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर है ना, 3 है, इसके कितने हैं, 2 है, तो आपका आंसर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, सो योर आंसर मस्ट बी, कंसिडर दिस इज द लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके, सो योर आंसर मस्ट बी इन अ लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। बच्चों अब कैलकुलेशन कर लेते, चलो कर लेते, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6 प्लस, अरे करो ना बाबा, 1 3 3, 1 3 3, 1 3 3 कितना आया, 6, 6 3 9, 6 3 9 और ये 3 कितने डेसिमल है, 3 हो या नहीं बाबा, अरे यो बाबा बोलो, यस करेक्ट। अब आपका जो आंसर होना चाहिए बच्चों ना, वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, योर आंसर मस्ट बी ना 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितना 2 सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है, तो कितना आंसर होगा आपका 3.9, यस हाँ ये आंसर बना आपका बच्चों, क्या ये बन सकता है आंसर आपका, यस सर, यही तो केस है, यही तो किस्सा है, यही तो फेनोमेनाज है, दैट इज कॉल्ड एज द सिग्निफिकेंट फिगर्स।
डिवीजन में भी बच्चों आपका सेम आंसर होगा, उसमें आप कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हो जिसमें जो लेस सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उसका आप कैलकुलेशन कर जो भी आंसर आएगा वहाँ पर आप आसानी से लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी क्या रे राजा? नहीं होगी। क्या ये क्लियर है? आया ना बोल? यस सर। चलो बच्चों एक NEET 20 का एग्जाम्पल लेते हैं। NEET 2020 का क्या एग्जाम्पल दिया था बच्चों उन्होंने, पता है? उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज द सब्सट्रैक्शन ऑफ 9.99 माइनस 0.0099, करेक्ट? और उन्होंने ऑप्शन दिए थे, क्या पता है? 0.9801, ऑप्शन बी 0.98, 9.98, तीसरा ऑप्शन 9.99 और डी ऑप्शन 9.9, करेक्ट? अब इसको कैसे करें बच्चों, पता है आपको? ये तो आपको पता है, ले लेना है बस। अब ये देखो यार, लिस्ट डेसिमल कहाँ है वो देखना है, क्या आपके लिस्ट डेसिमल है? यहाँ पर है, दिस इज द लिस्ट डेसिमल। हाँ या ना? यस। क्योंकि इसके कितने बच्चों? चार है। इसके कितने हैं? दो है। आंसर कितना आया इसका? अरे करो, क्या ये आता है आपका? अगर 0, 10 पकड़ा तो ये 1 आता है, ये 9, 9, 0 आता है, यहाँ पर 8 बचा तो 8 आएगा, यहाँ पर क्या बच्चा बच्चों? 9 बचा, 9 - 0, 9, तो 9.980 आएगा। तो योर आंसर मस्ट बी व्हाट? योर आंसर मस्ट बी व्हाट? इन अ लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, देन आंसर मस्ट बी कितने होना चाहिए बच्चों? सिर्फ 2 डिजिट, तो 2 डिजिट मतलब ये आया 9.98। अरे हाँ या ना? यस। तो आपका आंसर क्या आएगा ना बच्चों? बी। इतने आसानी से सवाल पूछे जाते हैं, जेई मेंस में भी बहुत सारे एग्जांपल्स पूछे गए बच्चों। बस आपको ध्यान रखना है कि यार कैलकुलेशंस कैसे करा जाता है, बाकी कुछ करना ही नहीं है इसमें। क्लियर है? यस और नो? यस बच्चों। यहीं पर एक छोटा सा कंसेप्ट है, मैं वो लेकर बस बात को ख़त्म कर देता हूं, ताकि ये वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बना है लेकिन कंसेप्ट भी छोटा है, इसलिए मैंने ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने की कोशिश नहीं की है। दैट इज कॉल्ड एज अ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? अरे क्या सर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ग्रेट 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 बच्चों। इस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को लिखा जाता है ये इंटू 10^(b), करेक्ट? ये इंटू 10^(b) आपकी ये जो ए की वैल्यू होती है ना बच्चों, ये ए की वैल्यू होती है 1 से लेकर 10 तक, 1 to 10। क्लियर है? वेरी गुड, है ना? अब ये जो है ना बच्चों, ये बी, इस वैल्यू में जो बी है ना, इस बी को कहा गया बच्चों ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या कहा गया ना? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसका एक रूल है, क्या रूल है मैं बता देता हूं। अगर आपकी ए की वैल्यू लेस देन 5 है, ए की वैल्यू अगर लेस देन 5 है तो उसको ना बच्चों एज इट इज लिख दो, एज इट इज लिख दो। एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं यहां पर 3 × 10^8 m/s स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है? तो ये वैल्यू 5 से कम है, तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है बच्चों? 10^8 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है? और वहीं पर अगर ये बच्चों ए की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, ए की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 5 है, तो क्या बनेगी पता है? मतलब एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना आता है? 9.1 × 10^-31 kg। क्या ये 9.1 ग्रेटर देन है? यस। सो यहाँ पर 9.1 इज ग्रेटर देन 5, तो ये क्या होगा? रेज बाय 1। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? 1 से बढ़ाना है, तो जब आप 1 से बढ़ाओगे तो ये क्या बना? 10 × 10^-31। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? 10^-30। यस। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ये इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बना बच्चों? 10^-30। बस ये सवाल बनता है कि आपकी ये की वैल्यू क्या 5 से कम है, क्या वो 5 से ज्यादा है? इफ द वैल्यू ऑफ ये इज लेस देन 5, कीप एज इट इज, एंड इफ द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन 5, देन रेज द नंबर बाय 1। दैट इज वॉट, दिस नंबर मस्ट बी रेज बाय 1। अगर ये नंबर चेंज होता है तो बात खत्म हो गई। क्या क्लियर है? यस। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस वीडियो, सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ, और हमने देखा बच्चों क्या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और कुछ एग्जाम्पल्स, ताकि आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए। क्या ये क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में लाने वाला हूँ, दैट इज व्हाट द एरर्स इन द मेजरमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।